गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? प्रभु का स्मरण करके, याद करके, धन्यवाद देके। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। ओ सभी लोग क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो, है ना? कुछ बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और नोटबुक भी कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने अभी भेज दी है, कुछ की बची है, तो अगली टर्न पे अपनी नोटबुक ज़रूर भेजें। अब हमने व्याकरण हमारा चल रहा है, व्याकरण में पार्ट 6 लिंग पढ़ा था, सभी ने अच्छे से समझा था, है ना? और मैंने कहा था कि आप लोगों को इससे क्या करना है, घर पे कम से कम 2 से 3 बार रीड करना है। जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, तो सभी लोग आ जाए 43 पे। अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, है ना? सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सब लोग 43 निकालेंगे। अब अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है शिक्षिका, औरत, अध्यापिका। तो अध्यापक का क्या होगा? शिक्षिका होगा? नहीं। औरत होगा? नहीं। अध्यापिका क्या होगा? अध्यापिका। तो अ क का स, क का सही शब्द क्या है? स। किस पे हम टिक लगाएंगे? अध्यापिका। अब है ख, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नायिका, गायिका, गायकी। गायक का सही शब्द क्या होगा? नायिका तो नहीं होगा, है ना? गायिका, गायकी कोई शब्द नहीं है, तो क्या आएगा? गायक का सही शब्द ब, गायिका। ग, माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मालिन, मल्लिका, मालिनी। तो अ सही शब्द है मालिन, ग का सही है अ, मालिन। सभी ये टिक लगा लीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ना सिर्फ टिक लगाना था, आप लोग लगा चुके हैं। अब हम आएंगे प्रश्न उत्तर पे। पहला प्रश्न है लिंग की परिभाषा दीजिए। तो शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। प्रश्न लिखा है, हमको सिर्फ उत्तर लिखना है। उत्तर क, उत्तर क। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से
पहचान होती है, यह पहचान होती है कि वह के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। उत्तर लिख लीजिए आप लोग। अगला है लिंग के भेद बताएं। उत्तर ख, लिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना। लिंग के भेद कितने हैं? दो। और अब उनके नाम। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, ये लिख लीजिए आप लोग। बोल के लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे। राइटिंग सुंदर चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखें, हमेशा बोल कर लिखने की आदत डालें। सब अच्छे से लिखिए, बोल बोल के लिखिए। दो ही उत्तर है, जल्दी लिखिए।
चलो ना, समय काफी है, सब लिख चुके हैं और इससे ज्यादा समय हमें लेना भी नहीं है। अब हम करेंगे सही गलत। अगला प्रश्न है सही गलत, और ग्रामर बुक का वह ग्रामर बुक में ही करना है। बहुत से बच्चों ने मुझे नोटबुक में करके भेजा है, आपको पुस्तक का कार्य पुस्तक में ही करना है। बार बार बोलने पर भी आप लोग नोटबुक में कर रहे हो, है ना? जब आपको जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा ही करें आप, है ना? अब आ जाएंगे पेज नंबर 144, मीन्स 144। राइट रॉन्ग, हमारा अगला प्रश्न है सही गलत। वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं, है ना, लिंग कहलाते हैं। तो अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी कि जिससे हमें स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। तो ये सही है, बोध होना हमें पता चलता है ना कि स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का। तो जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। तो पहले इस पे हम क्या लगाएंगे, क पे सही का निशान लगाएंगे। अब आ जाए ख पर। बछड़ा शब्द का स्त्रीलिंग बछड़ी होता है, सही है। बछड़ा का क्या होगा, बछड़ी। बछड़ा मीन्स जो गाय का बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, सही है ना। पुरुष से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुरलिंग होता है, जिससे स्त्री जाति का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। तो क्या लगाएंगे, हम सही का निशान लगाएंगे। अब एक जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुरलिंग कहलाते हैं, ये भी सही है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों और पर्वतों के नाम। हमने पिछले बार नियम पढ़े थे, है ना, तो उसमें हमने देखा था कि वृक्ष और पर्वत किस में आते हैं, हमेशा पुरलिंग में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ड पे हम क्या लगा देंगे, ड पे गलत, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत। अब रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरिए। आपको इसमें सिर्फ राइट रॉन्ग लगाना था, हो गया होगा आपका, है ना। चलिए, चारों पे राइट है और आखिरी वाले पे रॉन्ग आएगा। अब इसी के नीचे है रिक्त स्थान। मोसाजी के साथ भी आई। अब हमें जो रंगीन शब्द दिया है उसका लिंग बदलना है। तो रंगीन शब्द क्या है हमारे पास, पुस्तक देखिए सब लोग, रंगीन शब्द कौन सा है, मोसाजी, है ना, ये रहा मोसाजी। तो मोसाजी का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोसी जी। मोसाजी के साथ क में क्या आएगा, ये प्रश्न आपका चार है, इसका तो मोसी, है ना। मोसाजी के साथ कौन आई, मोसी भी आई। अहमद के पास एक बकरा और एक बकरा, रंगीन शब्द क्या है, बकरा। तो बकरा का क्या होगा, बकरी। ये तो सबको अच्छे से आ गया होगा, बकरा का क्या होगा, बकरी। सेठानी ने से नए गहने बनवाने के लिए कहा। सेठानी, सेठानी किसकी, सेठानी का क्या हो जाएगा, किसकी सेठानी होती है, सेठ की। तो क्या आ जाएगा, सेठ। रंगीन शब्द सेठानी है तो क्या हो जाएगा, सेठ। रक्षाबंधन, सॉरी घ वाला,
राजकुमार के साथ रथ पर बैठकर भी सैर के लिए जा रही थी। राजकुमार, रंगीन शब्द क्या है? राजकुमार। तो राजकुमार का क्या होगा? हाँ, राजकुमारी। क्या होगा? राजकुमारी। कहानियों में पढ़ते हैं ना हम राजकुमार राजकुमारी। अब रक्षाबंधन के दिन बहन अपने को राखी बांधती है। बहन, रंगीन शब्द क्या है? बहन। तो हम इसका क्या लिखेंगे लिंग बदल के? बहन का भाई। क्या होगा? बहन का भाई। लिख लीजिए आप इन्हें अच्छी राइटिंग में, गलत नहीं लिखना है। मौसी बकरी से राजकुमारी भाई, देखकर गलत नहीं लिखना है, मात्राएं सही लगाएंगे। लिया बेटा सभी ने? अब हमारा आखिरी है पांचवा। प्रश्न पांच, संकेतों की सहायता से लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। शब्द सीढ़ी हम लोग पहले भी बनाते थे, है ना? एक शब्द जो आखिरी खत्म होता है उससे हमें अगला शब्द नया बनाना है। तो प्रश्न पांच पे आ जाइए सब लोग। सीधे पिता का स्त्रीलिंग शब्द, पहले तो हम इस तरह की सीढ़ी बना लेंगे। पर दो बॉक्स दिए हैं, वन टू, फिर तीन है, वन टू थ्री, फिर दाएं से बाएं भी तीन है, फिर वापस तीन है। पहला शब्द है माँ। अब हमें इन्हें निर्देश दिए हुए हैं ना सीधे। पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सीधे लिखना है माँ था। फिर माली का स्त्रीलिंग, तो माँ से क्या हो जाएगा? माँ लिंग। अभी हमने लिखा था उधर भी, है ना?
फिर है भाई का स्त्रीलिंग शब्द, तो घ बीच में दिया है, न हमारे पास आ गया है, बहन। बकरा का स्त्रीलिंग शब्द बकरी। इस तरह आपकी शब्द सीढ़ी कंप्लीट हो गई है ना, इसे कर लीजिए आप लोग भी। इस तरह से आज हमारा व्याकरण का पाठ 6 लिंग भी समाप्त हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप लोगों ने कितना सीखा है ना। जब ग्रामर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी हिंदी में हमेशा गलतियां होती रहेगी। ग्रामर का आपको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो आप मात्राओं की गलती, लेखन की गलती करते रहोगे, बोलने में गलती है ना। तो आपको हमेशा ग्रामर अच्छे से सीखनी है। जो मैंने आपको ये करवाए हैं ये सारे आपको कंठस्थ याद करना है, जितने भी लिंग हैं इन्हें आपको कंठस्थ याद करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से हमेशा पुल्लिंग होते हैं, है ना, और कौन से स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होते हैं। तो ये जब तक नियम आप लोग याद नहीं रखोगे तो आपको कुछ भी अच्छे से नहीं आएगा। अब इसी केस में अब हम अगला चैप्टर सर्वनाम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक जो पढ़ा हमने सबको उसे अच्छे से करना है, फिर एक बार मैम आपको वापस शुरू से रिवीजन फिर से करवाएगी, है ना। ग्रामर बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जब हमारे पूरे 8 चैप्टर हो जाएंगे पार्ट 1 वाले तो आपको मैम फिर से रिवाइज करवाएगी। लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से लर्न करना है, जितने लिंग है, वचन है ना, जितनी चीज़ें दी आपको अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है ना। अच्छे याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और यही चीज़ें हमेशा आपको आगे भी हिंदी में काम आएगी। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त तो होती है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, आपका सबका बुक में ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और इसी के बाद अगली क्लास में भी हम ग्रामर ही पढ़ेंगे, तो अपनी व्याकरण की पुस्तक लेके बैठे। अगला पार्ट सर्वनाम है और उसे आपको पढ़ना है ना। तो अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए सबको बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।